धर्म में हर त्योहार का अपना अलग महत्व है। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस बार गोवर्धन पूजा का पर्व 13 नवंबर सोमवार को मनाया जा रहा है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट का पर्व भी कहा जाता है। गोवर्धन पूजा में विभिन्न प्रकार के अन्न को समर्पित और वितरित किया जाता है। इस दिन गायों की पूजा का भी बहुत महत्व माना गया है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट का पर्व भी कहा जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार गोवर्धन पूजा कार्तिक मास की प्रतिपदा को मनाई जाती है। ये त्योहार उत्तर भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। खासकर मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, गोकुल, बरसाना में इसकी मान्यता ज्यादा है। इस बार गोवर्धन पूजा का पर्व 13 नवंबर सोमवार को मनाया जा रहा है। इस दिन गोवर्धन पर्वत गोधन यानी गाय और भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विशेष महत्व है। इसके साथ ही वरुण देव, इंद्रदेव और अग्निदेव आदि देवताओं की पूजा का भी विधान है। गोवर्धन पूजा में विभिन्न प्रकार के अन्न को समर्पित और वितरित किया जाता है। इसी वजह से इस उत्सव या पर्व का नाम अन्नकूट पड़ा है। इस दिन अनेक प्रकार के पकवान मिठाई से भगवान को भोग लगाया जाता है। अन्नकूट या गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण के अवतार के बाद द्वापर युग से प्रारंभ हुई है। इसमें हिंदू धर्मावलंबी घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन नाथ जी की अल्पना बनाकर उनका पूजन करते हैं। उसके बाद गिरिराज भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन्हें अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। इस दिन मंदिरों में अन्नकूट किया जाता है। अन्नकूट के साथ साथ दूध से बनी मिठाई और स्वादिष्ट पकवान भोग में चढ़ाए जाते हैं। पूजन के बाद इन पकवानों को प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं को बांटा जाता है। कई मंदिरों में अन्नकूट उत्सव के दौरान जगराता किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर उनसे खुशहाल जीवन की कामना की जाती है। अन्नकूट के साथ साथ दूध से बनी मिठाई और स्वादिष्ट पकवान भोग में चढ़ाए जाते हैं। पूजन के बाद इन पकवानों को प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं को बांटा जाता है। कई मंदिरों में अन्नकूट उत्सव के दौरान जगराता किया जाता है और भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर उनसे खुशहाल जीवन की कामना की जाती है। श्री कृष्ण जिनका नाम, गोकुल जिनका धाम, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सबका प्रणाम। आप सभी दर्शकों को BCN परिवार की ओर से हैप्पी गोवर्धन पूजा। नमस्कार।